ज्ञान के बारे में बताया था, सारे ज्ञान के प्रकार बताए थे, लेकिन आज है जो हमने देखा था कि ज्ञान हमने सूचना का नाम दिया था, उस वो सूचना आखिर होती क्या है। कहते हैं कि जो हमारी सूचना है वो हमारे संदेश होते हैं, लेकिन ये होता है कि सूचना जो होती है इंफॉर्मेशन, जो हमारी सूचना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। कहा जाता है अगर सूचना जो अंतिम रूप ले लेती है, अगर सूचना सत्य पर जाती है या उसका परिणाम बन जाती है, तो परिणाम उसका ज्ञान बन जाता है। इसीलिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा सूचना। सूचना को हम अगर देखें, कहते हैं हम सामान्य शब्द में इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हम सूचनाएं लेते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं आप? इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है जानकारी। हाँ, जब हम किसी तथ्य, कहते हैं कि एक अगर सूचना हमें ज्ञान बनानी है, ज्ञान का रूप हमको सूचना का देना है, तो हमें वो समस्त सूचना लेनी होती है जो उस घटना से संबंधित होती है। तो इसे कहा जाता है कि सूचना इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि कहा है, हम कहें कि सूचना हमें किसी चीज को जानने के लिए प्रेरित करती है, हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करती है। अगर हम ये कहें, अभी हम देखें कि सूचना में एक दूसरा शब्द हम जोड़ देते हैं इसमें, संप्रेषण। संप्रेषण एवं सूचना, तो सूचना संप्रेषण होती है। संप्रेषण का मतलब हो जाता है हम उनका किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, उस विचारों का हम किस तरह से आदान प्रदान। तो विचार इसमें क्या है हमारे? सूचना। विचार जो होते हैं सूचना में क्या होते हैं? ये हमारे विचार, और हम इन विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो वो प्रक्रिया हो गई हमारी संप्रेषण, यानी कि सूचना के अंतर्गत हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया हो गई। तो इसे कहते हैं कि जब हम संप्रेषण करते हैं तो क्या हम देख सकते हैं संप्रेषण क्या होता है? माध्यम जो हम बताते हैं किसी चीज को कि हमें किस तरह से उसे आगे बढ़ाना है, यानी कि वो सूचना की प्रक्रिया होती है। क्या हम कब, जब हम कोई कार्य करते हैं, तो क्या जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो कार्य जब तक हमारे पास नहीं होगा क्या हम वो कार्य करेंगे? नहीं कर सकते। अर्थात जब तक हमारे पास कारण नहीं होता है, कारण मीन्स हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय, तब तक हम कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है हमारे? हमारी सूचना, यानी बिना इस सूचना के हम कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए जो सूचना है वो हमारी जानकारी होती है, हमारा संदेश होता है, हम किस तरह से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारा विषय होता है। कहें तो हम जो विषय से संबंधित होता है ये हमारी सूचना होती है। कहते हैं कि सूचना जो होता है वो हमारे मनुष्य, एक हम सिंपल तौर पर देखें मनुष्य का जो सीपीयू होता है वो कौन होता है? उसका मस्तिष्क। यानी कि सारी सूचनाएं जो एकत्रित होती हैं हमारी, वो कहाँ है हमारा उसका स्टोर? हमारे मस्तिष्क में। तो हम देखते हैं सूचना हमारी अनेक प्रकार की हो सकती है। हम सूचनाओं को अगर हम देखें तो हम देखने बैठते हैं कि सूचना हम प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है। हम सूचना को हमारे काल्पनिक तौर पर मस्तिष्क में भी उत्पन्न कर सकते हैं। हम कहें तो कई बार हमारे स्वप्न में भी हमारी सूचनाएं आती हैं, तो वो क्या है हमारी? काल्पनिक। यानी कहते हैं कि मूर्त अमूर्त दोनों तरीका एक तरीके की हमारी सूचनाएं हो सकती है, प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है, यानी किसी भी तरह से सूचनाओं के अनेक रूप हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे इनका इसका स्टोर होता है सीपीयू जो होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू में सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसी तरीके से कहते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में हमारा ये एक सीपीयू का काम करता है, और इसी सीपीयू में हमारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। तो कहा जाता है कि सूचनाओं का जो जन्म स्थान है वो हमारा मस्तिष्क है। सूचनाओं का जन्म स्थान हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में ही वो हर चीज हमारी जो भी स्टोर होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। अब इसी के लिए हम कहें कि सूचना का अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है। सूचना का अर्थ अगर हम बताएं तो सूचना का सिंपल शब्द हम कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान हमारी सूचना कहलाती है। लेकिन विचार जो है उनके अंदर
वो हमारी सूचना है, विचार है वो हमारी सूचना। भी कहते हैं विचारों का आदान प्रदान क्या है, हमारी सूचना कहलाती है। यानी कि ये हमारे विचार जो है, अब इसमें जो आदान प्रदान की प्रक्रिया हम करते हैं वो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया, लेकिन विचार हमारी क्या होगा इसमें, हमारी सूचना। यानी कि जो हम कार्य करना चाहते हैं या हम कार्य करवाना चाहते हैं वो हमारा विषय वस्तु, यानी कि हमारा खुद का विषय वस्तु, तो यही हमारी सूचना होती है। कहा जाता है कि अगर सूचना हमारी प्रभावशाली होगी तो हमारा कार्य भी प्रभावशाली होगा। हमारा जो कहते हैं उसके लिए हमारा जो अंतिम निर्णय होता है वो भी हमारा प्रभावशाली होता है। जब तक हमारी सूचनाएं प्रभावी नहीं होंगी, अर्थात जो हम कार्य करना चाह रहे हैं अगर वो कार्य हम नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सूचना है उनमें हमारी सूचनाओं में कमी है। अर्थात हमको जब तक हमारी सूचनाएं पूरी तरह से हम उस चीज की ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते तो हम वो कार्य नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि जहां ज्ञान में तो सबसे अहम भूमिका ही सूचना की होती है। अगर वो सूचनाएं नहीं होंगी तो हम वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि हमको प्रत्येक कार्य को करने के लिए सूचनाओं को हम अग्रसित करते रहते हैं, हम उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। अब ये भी हम देखते हैं कि जहाँ ज्ञान का स्थायी रूप होता है लेकिन सूचना नहीं होती, क्योंकि जब जब हमें जिस जिस चीज की आवश्यकता होती रहती है हम उससे संबंधित हम सूचना प्राप्त करते रहते हैं, और वो सूचनाएं हमारी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। और वो ही बदला हुआ ज्ञान, जो सूचना का जो बदला हुआ रूप है वही हमारा ज्ञान में भी बदला हुआ रूप बन जाता है। तो कहा जाता है कि जो हमारी सूचना है वो सूचना क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान, हमारे विचार, हमारा मस्तिष्क में उपज, हमारी सोच समझ, ये क्या है, हमारा हमारी खुद की सूचना है। अब दूसरे रूप में हम देखें तो सूचना का अभिप्राय है, सूचना का अभिप्राय क्या होता है कि ऐसा ज्ञान कैसा ज्ञान होता है, ये कहते हैं कि ये किसी विशेष तथ्य हमारे जो आंकड़े होते हैं, जो विषय होता है, विषय वस्तु किसी भी हमारी, यानी कि तथ्य से, कोई विषय वस्तु से, कोई घटना से संबंधित होता है, तो ये क्या है, हमारी सूचना। मैंने बताई थी कि सूचना जब भी हम लेते हैं तो हम सूचना कहीं घटना से प्राप्त करते हैं, किसी वस्तु से, यानी सूचना अगर हमारे दिमाग में उपज है तो सूचना विदाउट किसी कारण के हम सूचना नहीं लेते हैं। जब भी हमें आवश्यकता होती है तो हम किसी कारण से उस कार्य को करते हैं और उसी से संबंधित हम हमारी सूचना एकत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सूचनाएं जो हमने ली है वो हमारी कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाए, हमारी सूचना हम उनका उपयोग करें। क्या हम बिना वजह कोई कार्य करते हैं, नहीं करते, यानी कि प्रत्येक सूचना को लेने के पीछे हमारा कोई ना कोई कारण होता है, उसी कारण को लेने के लिए हम उससे संबंधित अनेक पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कहें कि आखिर सूचना है क्या, यानी कि सूचना है हमारा डाटा। जहां कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो वो हमारा संपूर्ण डाटा होता है, यानी कि जो भी हमने चीजें की हैं वो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होती है, तो डाटा बन जाता है हमारा, एकत्रित हो जाती है वो सारी सूचनाएं। तो यही हमारी सूचना है कि सूचना प्राचीन समय में हम देखते चले एक सामान्य शब्दों में जो हम कहते थे कि एक हमारा जो खुद का संदेश तक सीमित था, हम जो भी कार्य करते थे हम संदेश देते थे, यानी कि जो संदेश है वो हमारा किसका काम था, सूचना। आज हम देखते हैं हम जो भी सूचनाएं देते हैं, सूचनाएं हमारे पास अनेक तरीके से
से आ जाती है, लिखित रूप में भी आ जाए, मौखिक रूप में भी आ जाए। यानी कि या तो हम किसी को लिखकर प्रेषित करते हैं या बोलकर हम उसे सुनते हैं। तो ये सब जो हमारी आवश्यकता होती है, प्राचीन काल में तो हम देखते थे कि सिर्फ एक हमारा जो शब्द, हमारे संदेश हम एक पत्र के माध्यम से लिखकर भेजते थे। लेकिन आज जो हमारी सूचना है, जरूरी नहीं है कि हम हमारे पत्र तक सीमित है, हम हमारी सूचनाओं को ओरली भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? चाहे तो हम देखें आज हमारे कंप्यूटर का, हम उसकी कंप्यूटर की सहायता लेते हैं, आज हम फोन के माध्यम से देते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है हम आज तुरंत सबसे इजी वे हम हमारे फोन से करते हैं। तो ये कहते हैं कि सूचना हम कहीं से भी एकत्रित कर सकते हैं। सूचना होता है वो हमारी क्या होती है, हमारे खुद के विचार। अब मैं इसकी सूचना की परिभाषा लिखूंगी। परिभाषा, आप पहली परिभाषा लिखेंगे हमारी जे बेकर के अनुसार। जे बेकर, इन्होंने क्या कहा है सूचना के लिए? ये कहते हैं कि जो सूचना है, हमारी सूचनाओं का आकार, जो हमारे विचार होते हैं, इनको परिवर्तित करने की क्षमता होती है। किसमें होती है? ये हमारी सूचना में होती है। यानी कि जो हम कार्य करते हैं, हम उन कार्यों का आकार को ही परिवर्तित करते हैं। लेकिन किसके माध्यम से करते हैं? सूचना के माध्यम से। कैसे करते हैं कि हमें वो कार्य आखिरकार करना कैसे है, ये हमें कौन बताता है? सूचना। करने का तरीका कौन बताता है? सूचना। माध्यमों का चयन कौन करता है? सूचना। अर्थात वो पूरा आकार निश्चित करता है कि हमें किस आधार पर कैसे कार्य करना है। तो इसमें लिखा है किसी जीवित बेटा क्या कहते हैं, किसी विषय से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि तथ्य क्या है, हमारी सूचना। तथ्य जो हमारे फैक्टर हैं, हम जिस चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कार्य पर जिस फैक्ट को हमने चुना है, हम उसको से संबंधित जो सूचना एकत्रित करते हैं। जब भी हमें किसी विषय पर कार्य करने होते हैं तो हम विदाउट तथ्य, यानी कि कोई ना कोई हमारे कारण, हमारे किसी ना किसी की वजह, उसके बिना हम हमारा कार्य नहीं करते। दूसरी परिभाषा है हमारे एन वेल्किन के अनुसार। यानी कि जे बेकर ने बोला है किसी विषय से संबंधित तथ्य सूचना, तथ्यों को सूचना कहते हैं। लेकिन अब इसने क्या कहा है कि सूचना उसे कहते हैं जो हमारे क्या करता है, जो आकार में परिवर्तन करता है। यानी कि जिसमें सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार में परिवर्तन करता है। यानी कि जब हम सूचना एकत्रित करेंगे तो वो सूचना क्या करती है, हमारे कार्य करने के तरीके को। अब हम कहें सिंपल तौर पर कि जब हम कार्य करना शुरू करते हैं तो वो हमारी स्टार्टिंग होती है। लेकिन जब हमारा उसका परिणाम आता है तो ऑब्वियसली जो कार्य शुरू किया वो तो प्रारंभ था, लेकिन उसका रूप चेंज हुआ, अंतिम पर पहुंचा। यानी कि अब हमने उस कार्य को किस तरीके से पूरा किया, यानी कि शुरुआत में तो हम उसको करते हैं लेकिन अंतिम में हमें उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम मिलता है। तो वो परिणाम में ऑब्वियसली हमारा परिवर्तन आता है जो कार्य हमने किया है। तो कहा जाता है कि सूचनाएं ऐसी होती है कि जो लास्ट में जाकर हमारे आकार में परिवर्तन कर देते हैं। यानी सूचना हर चीज का परिवर्तन कर सकती है, हमारे परिणाम में परिवर्तन ला सकती है। यानी कि हम कहते हैं कि जो हमारा हम कार्य कर रहे हैं, जो हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं, वो हमारी बिना सूचना के कभी भी परिवर्तित, या कहते हैं कि बिना सूचना के हम कार्य नहीं कर सकते। बिना सूचना के कोई कार्य नहीं होता। जब तक हम कोई विषय का चयन नहीं करेंगे, उससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो वो
हमारा जो कार्य है वो भी प्रभावी होगा। और जितनी हमारी सूचनाएं हम अच्छी एकत्रित करेंगे, प्रभावी एकत्रित करेंगे, उसी तरीके से हमारा कार्य भी प्रभावी होगा और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रभावित होगा। अब हम कहते हैं कि आखिर सूचना का चयन हम क्यों करते हैं, सूचना की हमें आवश्यकता क्यों होती है। कहते हैं ना हम सूचनाओं का अध्ययन, हमें किन बातों का ध्यान में रखना होता है कि हम कैसी सूचनाएं लें या जो हम ये परिभाषाएं लिखते हैं कि किस तरीके की तथ्य होने चाहिए, किस तरीके से उनके आकार में परिवर्तन होना चाहिए, आखिरकार ऐसा होना क्यों चाहिए, कि हमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखें हम उसके सूचनाओं का चयन करें। अगर कहा जाए तो आखिरकार सूचना का अभिप्राय क्या है या सूचनाओं का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है, कि हमें जो हम सूचनाएं ले रहे हैं जब भी हम कोई कार्य करें और हमें उन सूचनाओं को जो हम संदेश एकत्रित कर रहे हैं, आखिर वो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सूचना एकत्रित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमने सूचनाओं के लिए जो स्रोत एकत्रित करे हैं हम उन सभी स्रोतों को एकत्रित करेंगे, अर्थात कि हम किसके माध्यम से हम सूचनाओं का चयन कर रहे हैं या हम किस तरीके से हम उस पर कार्य करेंगे या किन किन माध्यमों से किन किन स्रोतों से हमें उस सूचना के बारे में पता चल रही है, अर्थात सभी स्रोतों को सभी स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करना। यानी कि हम क्या करेंगे जब हम कोई कार्य करते तो हम यही करते हैं ना कि सबसे पहले हम हर चीज को ढूंढने लग जाते हैं कि अरे जो टॉपिक हमारा है इससे रिलेटेड हमें कहां कौन सी चीज मिलेगी, या इस सिंपल तौर से अगर हम यहाँ पर एक सूचना हमारा एक प्रश्न को ले लेते हैं, अगर हम देखते हैं कई बार हमें प्रश्न जब हमारे सामने आता है तब उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ इससे संबंधित इसका आंसर मिलेगा, तो वही चीज है कि हम सभी स्रोतों से सूचनाओं को एकत्रित करने लग जाते हैं कि हमारे इससे संबंधित सूचनाएं कहाँ कहाँ एकत्रित हैं। दूसरा, जब हम सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सूचनाओं को सुरक्षित रखना पड़ेगा, यानी कि सूचनाओं को सुरक्षित रखना कि आने वाले भविष्य में अगर हमें इसकी आवश्यकता पड़े तो हम उन सूचनाओं को तुरंत अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं, या दूसरों को चाहिए तो हम उन चीजों को ऐसे स्थान पर कहते हैं कि ऐसे यथास्थान पर हम उनको एकत्रित करते हैं, स्टोर करते हैं कि जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़े और हम तुरंत वो सूचनाएं हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो कहते हैं अगर हम सूचनाएं लेते हैं, सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं तो हमें सूचनाओं को ऐसी जगह रखना है कि हम तुरंत उसको ले, ऐसा ना हो कि जब हमें आवश्यकता हो तो हम उस सूचना को ढूंढते रहे, यानी कि हमें यथास्थान एक सुरक्षित स्थान पर हमें हमारी सूचनाओं का एकत्रित करना होता है। दूसरा, जब हम सूचना एकत्रित करते हैं थर्ड नंबर पर तो हम क्या करते हैं, उन सूचनाओं का उपयोग करते हैं, यानी कि सूचनाओं का उपयोग अगर हम यहाँ देखें तो यानी कि क्या होगा, सूचना का कि जहाँ उनका उपयोग होना चाहिए हम वहीं उन सूचनाओं का उपयोग करें, यानी कि जिस चीज की हमें जहाँ आवश्यकता होती है हम वहीं उस चीजों का उपयोग करें, हम उसका दुरुपयोग ना करें, अर्थात जिस चीज के लिए वो सूचना एकत्रित है उन्हीं सूचनाओं का हम उसका उपयोग करें। तो जो हमारा फोर्थ नंबर है वो है कि प्रत्येक दृष्टि से एकत्रित कई सूचनाओं का क्या करना चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, नहीं जो सूचना हमने एकत्रित की है वो सूचना कभी हमारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूचनाओं का एकत्रित की गई सूचनाएं पूर्ण होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि आधा
से, अर्थात जिस चीज के बारे में कभी भी जो कार्य हम ले अगर हम उसको आधा अधूरा करते हैं तो वो कार्य कभी हमारी पूर्णता की ओर नहीं जाती। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं वो सूचनाएं हमारी पूर्ण और सही होनी चाहिए, कि जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं वो सूचनाएं हमारी पूर्ण है। और दूसरी चीज कि हमारी सूचनाएं हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें कहते हैं कई बार हम जो गलत सूचनाओं का उसके अंदर समावेश नहीं होना चाहिए, यानी कि सूचनाओं को सूचनाओं का रूप शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं कि किसी मिलावट हर चीज को नुकसान करती है, तो वही चीज है इसमें, अगर हमने सूचनाओं में से जरा सी भी हेरा फेरी करते हैं तो वो इफेक्ट हमारे रिजल्ट पे पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूचनाएं हमेशा सही और शुद्ध होनी चाहिए, जिससे हमारा परिणाम भी सही निकले और पॉजिटिव निकल के आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सूचना, मैंने आपको सूचना का अर्थ बताया, सूचना की परिभाषा बताई, और सूचनाओं का हमने कि हमें सूचनाओं को जब हम सूचनाओं का चयन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारे टॉपिक है। एकत्रित करने के लिए अति आवश्यक बातें कि जब भी हम इसका चयन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें सभी स्रोतों की सूचना को एकत्रित करनी चाहिए, फिर हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, हम उस सूचनाओं का उपयोग सही करना चाहिए कि जहां उसकी आवश्यकता हो, और एकत्रित की गई सूचनाएं हमेशा हमारे पास कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जो पांचवा था हमारा कि सूचनाओं का रूप कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर सूचनाओं का रूप शुद्ध होगा तो हमारा परिणाम भी हमेशा सही होगा। आगे मैं सूचना के टॉपिक को आगे जो भी है इसमें वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।